नमस्कार, न्यूज 19 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ उनके चचना। नजर डालते हैं इस वक्त के सुप्रभात राजस्थान की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानगढ़ दौरा 1 नवंबर को होगा। प्रधानमंत्री इस दौरे को लेकर के पूरी तरह राजस्थान और गुजरात के आदिवासी समाज को लेकर के फोकस्ड माने जा रहे हैं। हालांकि यह प्रधानमंत्री का आधिकारिक दौरा है, मगर इस बहाने बीजेपी का फोकस गुजरात और राजस्थान की 52 आदिवासी सीटों पर है। गुजरात के बाद अगले साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव है। राजस्थान में 25 ST रिजर्व सीटें हैं, वहीं लगभग 12.5% ST वोटर है। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया रविवार यानी आज अपना तीसरा मैच खेलने उतरेगी। पर्थ में होने वाले सुपर 12 ग्रुप 2 के मुकाबले में भारत का सामना साउथ अफ्रीका से है, लेकिन इस मुकाबले में बारिश खलल डाल सकती है। वहां के मौसम विभाग ने 50% बारिश की आशंका जताई। हालांकि बारिश से कोई भी नुकसान इंडियन टीम को होता हुआ नजर नहीं आएगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने लोकसभा सांसद बनने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने हिमाचल की मंडी सीट को पहली पसंद बताया है। साथ ही कहा कि अगर हिमाचल के लोग और भाजपा चाहे तो जनसेवा के लिए वो अगला लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। कंगना ने ये बातें एक मीडिया ग्रुप के इवेंट में कही। कंगना के चुनाव लड़ने के सवाल पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि अगर वे पार्टी में शामिल होना चाहती है तो उनका स्वागत है। राजस्थान में 4 नवंबर से कड़ाके की ठंड पड़ेगी। उत्तरी भारत में 1 नवंबर से एक्टिव होने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण कश्मीर, हिमाचल में बारिश बर्फबारी होगी। वहीं अगले साल और अगले महीने कुछ दिन तक जारी रहेगी यह सर्दी, जिससे राज्य के तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक यह गिरावट आएगी। कुछ शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे भी जाने की संभावनाएं बनी हुई हैं। सुप्रभात, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बताइए, बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।